भाई ओ भाई कितनी भागी भाई मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी संगीत मोटो ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस ये है हमारा हेलमेट और ये मैं तो आपको लग रही होगा आपके भाई के हाथ में हेलमेट है। तो आपका भाई जा रहा है अभी एक राइड पे क्योंकि कल मेरे को जाना है गाड़ी की सर्विस करवाने देहरादून। तो मैं जा रहा हूँ अभी न्यू टिहरी तक, अभी मतलब अपने बहन के घर पर जा रहा हूँ। तो गाइस और ये आपका भाई एकदम रेडी हो गया, मस्त लग रहा हूँ ना मैं एकदम वाइट सी जैकेट पहन के और अभी जूते नहीं पहना था, जूते पहनता हूँ। तो गाइस चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी मैं अपनी शॉप पे गया था, बाइक मैंने बाइक वॉशिंग करी, बाइक की धुलाई करी बाइक की और पॉलिश वगैरह करके। वैसे भी कल सर्विस होनी है उसकी, तो मैंने सोचा यार चलो कोई नहीं गाड़ी साफ रखनी है तो रखनी पड़ती है। तो गाइस चलो और अपना जूता वगैरह पहनते हैं, बैग वगैरह लाते हैं और निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा राइट पे। बाय टाटा बाय बाय। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अभी घनसाली से और मैं पहुँच चुका हूँ शनि मंदिर। अरे हाय, कल आपका भाई यहाँ पे एक्टिवा पे फ्लाई वाई मार रहा था और आज आपका भाई यहाँ पे पारों पे आ गया। जय हो भगवान जी की, जय हो। तो गाइस यार भगवान जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या जाए, न्यूटल जाया जाए यहाँ से। तो गाइस रॉबिन आ रहा है टिहरी से और वो टिपरी पे मेरा वेट करेगा और मैं कोशिश करूँगा कल देहरादून जाने की क्योंकि मेरे को अपनी बाइक की सर्विस करवानी है उधर। तो फिर क्या सीन है, फिर चलते हैं। और ये बड़ा प्यारा वाला व्यू देखिए आप, ओह माय गॉड। गाइस आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, हल्ले हल्ले चलेंगे और ये देखिए आप, वाह 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 क्या व्यू है भाई। तो गाइस अभी हूँ मैं मतलब पिलकी पहुँचने वाला हूँ मैं जल्दी और यहाँ से दो तीन किलोमीटर पिलकी, 2 किलोमीटर होगा समथिंग। तो अभी न्यूट्रल करते हैं गाड़ी को, न्यूट्रल चलते हैं। क्यों फालतू में तेल फूकना है, तो अपना न्यूट्रल चलते हैं आराम से। और गाइस मैं मिलता हूँ आपको फिर सीधा आगे जागदार में। और भाई एक बार यहाँ देखिए आप, व्यू चेक करिए आप, ओ भाई साहब। वैसे मेरी आदत नहीं है चाबी ऑफ करके चलने की, लेकिन भाई अगर क्या करें यार, अब मैंने सोचा कर देता हूँ यार, किलोमीटर बढ़ रहे हैं ना ऐसे में, तो फिर अब बंद रहेगी तो तब मीटर बंद हो जाएगा ना क्योंकि सर्विस है भाई, तब दिक्कत है ना यार। कोई नहीं, मैं तो चलता भी नहीं हूँ, लोग तो सारे न्यूट्रल पे चाबी बंद करके ही चलते हैं, मैं तो चलता भी नहीं हूँ चाबी बंद करके, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। और गाइस आपका भाई फुली वाइट पहन रखा, वाइट जैकेट पहनी हुई और सॉन्ग लगा रखे फ़ोन पे, आराम से चलते रहेंगे। और ये ताऊ क्या कर रहा है। और ये देखिए आप, अभी मैं पहुंचने वाला हूँ गटमाना और ये जा रही है यहाँ से थापला मौसला वाली रोड जा रही है यहाँ से ऊपर को और हमको जाना है यहाँ से सीधे। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको फिर इस थोड़ी देर बाद। और तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ असेने में और ये देखिए श्री राम मंदिर, जय बजरंगबली जय। तो गाइस यहाँ पे मंदिर और भाई मंदिर में तो आपके भाई की जान बसती है। तो गाइस यार भगवान जी की कृपा भी हो जाए और अपना अपनी मेहनत भी जारी रहे, बस एक दिन आपका भाई एक दिन आपका भाई फेमस मोटो ब्लॉगर हो गया यार, ये तो अपना सपना है यार, होगा ज़रूर होगा। गाइस अपने ना खुद मेहनत करते रहो और अपने पे विश्वास रखो और थोड़ा भगवान जी पे भी विश्वास रखो, बस बाकी तो सब क्यों नहीं होगा यार, टाइम लगेगा 1 साल 2 साल होगा ज़रूर होगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई हम यही काम है। तो गाइस व्यू चेक करिए आप नीचे देखिए झील, आए हाय। गर्मियों में जो मन करता है ना भाई नहाने का कि जाओ कपड़े उतारो से डुबकी मार दो भाई पानी में, ठंडे ठंडे पानी में, आए हाय। लेकिन यार तो गाइस आजकल इस महीने मतलब मेरा कहीं भी ट्रिप ट्रैवल नहीं हुआ और आई होप अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहे हैं ना तो आपका भाई जल्द ही और अच्छा सा एक ट्रिप मारने वाला है भाई, गर्मियों में एक अच्छा सा ट्रिप मारने वाला है आपका भाई। बोले तो कब मतलब ये लगा लो अप्रैल मई में आपका भाई एक मस्त लंबा सा ट्रिप मारूंगा मैं और मेरे साथ कोई जाएगा तो ठीक है, वरना मैं अकेला मार लूँगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साथ वाले फिर ही नहीं रहता ना आराम, ड्यूटी वगैरह हो गई सबकी। तो वैसे एक दोस्त है अपना भाई कह रहा था मेरे को कि भाई मैं भी चलूँगा आपके साथ, भाई भी ब्लॉगर है तो भाई का तो चैनल मोनेटाइज भी हो रखा है, तो परमवीर भाई के साथ ही जाएंगे हम। तो गाइस
यहाँ पे एक हो जाए। ओ भैया, ओ भैया, आराम से आराम से। ओ भाई कितनी भागी भाई, मैंने मीटर पे नहीं देखा, सीधा था वहाँ पे, सोचा भगा लेते हैं। गाइस का भी हम भी सोचते थे दूर से देख के भाई, और बाइकर को कि भाई गाइस एक दिन जो सपना होता ना भाई, अगर तुम मेहनत करोगे ना भाई, भगवान तुम्हें जरूर देगा यार, जरूर देगा जरूर भाई। लेकिन मेरा पता क्या सीन है, जो मैं सोचता हूँ पहले से ही ना भाई, वो मतलब मेरे को मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी है। अगर मैंने एक बार सोच लिया ना, जो भाई चाहे टाइम लगेगा, लेकिन भाई आपके भाई को मिलेगा ही मिलेगा भाई, भगवान जी की कृपा है बस, पर वाला साथ होना चाहिए बस, बात करता हूँ। तो गाइस यार सपोर्ट रखिए अपना, और एक दिन आपके भाई के पास भी सुपर बाइक होगी, और उस दिन मतलब लकीस्ट पर्सन हुआ ही मैं, अगर मेरे पास अगर सुपर बाइक आ गई ना भाई साहब। तो गाइस ज़िंदगी में ना सपने होने जरूरी चाहिए, क्योंकि बंदे का अगर ड्रीम ना हो तो बंदा कुछ मेहनत ही ना करे और उसके पीछे भी ना भागे। तो सपने होने ज़रूरी होते हैं, अगर भाई वो बोलते हैं ना, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उसको, उसके लिए हम तड़प जाते हैं, और जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है उसकी हम कदर नहीं करते। तो गाइस यहाँ पे अपने विवेक भाई, जो अपना मोटा भाई था ना, उनकी शॉप है और फर्नीचर वगैरह की। तो मैंने सोचा यार दिक्कत है विवेक भाई, तो यार क्या यार रुक जाते हैं थोड़ा ना, रुकने में कौन सा वहाँ चार्ज लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल तो खैर है फिलहाल फुल है अपना, और भाई हमारे पेट के लिए ना हो, लेकिन मेरी पारो के पेट में पारो भूखी नहीं होनी चाहिए, बस मैं भूखा रह जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं। भाई प्यार है भाई, अपनी पारों से प्यार है, प्यार भाई अपना, अपनी पारों जो साथ देती है ना भाई, हम भी उतना ही साथ देते हैं भाई अपनी पारों का। मेंटेनेंस देखो आप, एकदम बाइक रैक्चली रखी रहती है, मैंने शोरूम सर्विस अभी तक बाहर गाड़ी वो नहीं करवाई भाई, धुलाई देख दो, इतनी प्यार से धुलाई करता हूँ ना गाड़ी के भाई, क्या बता, आप विश्वास नहीं करोगे भाई। आपका भाई नहाने जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7 मिनट में नहा के बाहर आ रहा भाई, इसको धुलने में ना 3 घंटे लगते हैं मेरे को, अब तुम विश्वास नहीं करोगे। कहीं तुम गाड़ी धुलवाने जाओगे ना भाई, 1 घंटे में तो कार भी धुल जाती है भाई, लेकिन अपनी गाड़ी अपने हाथों से, डग भी अपना हो, सब कुछ अपना हो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, धुलाई करो आराम से करते रहो, बस साफ होनी चाहिए गाड़ी, बस गाड़ी साफ रहनी चाहिए। तो भाई चलो, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, चलते हैं, और रॉबिन भाई वेट कर रहे होंगे आगे पे, तो मिलते हैं आगे पे। भाई नहीं पहुंचा। तो गाइस यहाँ पे जब व्यू आता है ना भाई, देखो आप लोग, बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ पे, और ये देखिए गाइस एक बिल्ली हो गया है, बिल्ली। भाई बिल्ली मारने का दम नहीं है यार अपने पे, चले यार भाई पहुंच गया होगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि कॉल करके कहाँ पहुँचेगी, उसको पता है ना भाई आ रहा होगा संकेत भाई, आराम से पहुंच चुका हूँ यार लगभग मेरे को ना टिपरी में सामान भी लेना है अभी। गाइस 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 काफी बैंग करके, आई होप अपना छिलार भाई पहुंच चुका होगा। तो गाइस गाइस इट्स आईटीआई राइडर्स, क्या हाल है, बढ़िया छिलार भाई, और ऐसा बढ़िया ठीक ठाक बढ़िया सब, घर में सब ठीक। अच्छा अभी अच्छा यू आईटीआई का ना,
अच्छा कब डाई? अच्छा ठीक, भयंकर खतरनाक आ गया। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ टिपरी में, और भाई साहब और ये अपने छिलारू भाई राइडर, और ये अपनी पारो। तो चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको। आए हाय, रॉबिन भाई भाई छिलार भाई गाड़ी भगाता है ना, जब देखो भयंकर के बंदा कैसे भगा रहा है, कैसे सोती है बंदे ने गाड़ी। तुम्हारा भाई को तो छोड़ दिया पीछे भाई, उनके घर की रोड है भाई, उनको आदत है भाई। बाप रे कहाँ चल रहा हूँ, चल बैठ चल दरिया किनारे। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ गडूघाट, और यहाँ से दीदी लोगों का घर का रास्ता नीचे। और आपका भाई मैं नहीं आया रखना गाड़ी, मैं तो लट फुट गया, लट फुट गया मैं तो। प्रणाम प्रणाम, और ठीक है? तो बढ़िया, स्वास्थ्य पानी सब ठीक ठाक? ये बैग भी तरम रखे यार, और सब ठीक है?